आज हम गुड फ्राइडे पर उस दिन को याद करते हैं जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में स्वेच्छा से क्रूस पर चढ़ाए गए और मृत्यु की पीड़ा सही। हम आज याद करते हैं उस बहुमूल्य क्रूस की पीड़ा को और वो सब जो यीशु सहने को तैयार हुआ ताकि हम आज़ाद हो सके। उसने हमें अनंत जीवन का उपहार देने के लिए कितनी बहुमूल्य कीमत चुकाई, इतना बड़ा बलिदान दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। और यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र उतने पीड़ा में होते हुए, इतने कष्ट में होते हुए हमारे लिए उसको क्रूस पर टांगा गया, उसके ऊपर कीले लगाई गई, उसके हाथों को छेदा गया, उसको शरीर को बेधा गया और वो फिर भी क्रूस पर कह रहा है इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और अगर हम यशाया 53:5 पढ़े वहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे अपराध क्षमा कर दिए गए, हमारे अधर्म को उसका दाम चुका दिया गया, हमारी शांति के लिए प्रभु को इतना ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा और हमारी चंगाई के लिए आज उसने, यीशु मसीह ने इतने सालों पहले, इतने हज़ारों साल पहले कोड़े खाए। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र के कष्ट को याद करेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति महान जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को आज से कई साल पहले इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे लिए कष्टों को झेल सके। हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसने पीड़ा सही, उसको कुचला गया, उसको बेधा गया। प्रभु जी हम याद करते हैं आपके इकलौते पुत्र के उन कष्टों को, उन दुखों को। प्रभु जी हम सहते हैं प्रभु, जो हमारे कष्ट, हमारे पाप जो हमारे थे प्रभु, वो आपने, यीशु मसीह आपने ले लिया। पिता हम आज याद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे कितना गहरा प्यार किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सब को छुड़ाया, पाप से अलग किया प्रभु जी, उद्धार दिया हमारे लिए, आपने अपना जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी क्रूस पर रहकर, चढ़कर भी प्रभु जी आपने अपने शत्रुओं के लिए खुदावन प्रार्थना किया है। आज हम प्रार्थना करते हैं हम तमाम उन भाई बहनों के लिए जो आपको नहीं जानते, आपने उनके लिए भी बलिदान दिया है प्रभु, आप उनको भी यीशु राजा छुड़ा लीजिए। हर एक जन खुदा, हर एक जन प्रभु जी आपके शरणों में आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। My father, forgive them. For they know not what they do.